एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है कि सर मेरा घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, मेरा घर का माहौल बहुत ज्यादा टॉक्सिक है सर। टॉक्सिक मतलब होता है कि खराब माहौल है, घर में गाली गलौज होता है, पढ़ने नहीं दिया जाता, कहा जाता कि पढ़ लिख के लाटसा बनोगे क्या, तो मैं क्या करूं सर? अब स्टूडेंट को मैं क्या ही सलाह दूं? मैं थोड़ी कह दूंगा कि घर छोड़ दीजिए, घर छोड़ के जाएगा कहां, है ना। और इस मामले में ना आजकल पेरेंट्स भी बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत पेरेंट्स, मतलब अगर इस वीडियो को देख रहा है या फिर अपने दिखा दीजिएगा माता पिता को, आजकल के पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के स्ट्रेसफुल लाइफ के, है ना। अगर बच्चों का स्ट्रेस बढ़ रहा है लाइफ में तो पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ एडुकेशन और टीचर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, एग्जाम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं दुनिया का कोई एग्जाम बच्चा निकाल सकता है, क्योंकि पेरेंट्स उसके सबसे बड़े साथी होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स अगेंस्ट हैं तो दुनिया का कोई एग्जाम आप निकाल भी लीजिएगा तो खुश किसके साथ रहिएगा आप, है ना। माता पिता से अनुरोध है, प्लीज अपने बच्चे को ना थोड़ा सा टॉक्सिक माहौल से दूर करिए, वरना इस उम्र में लॉजिकल माइंड बच्चे का बहुत कम काम करता है। बच्चा को आपका कौन सा बात, कौन सा गाली, कौन सी बद्दुआ किस तरीके से लग रही है और वो कोई गलत स्टेप उठा लेगा, आपके लिए जीवन भर का रोना हो जाएगा। एक बच्चा इतने टफ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेई नीट की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इतना कॉम्पिटिशन ऑलरेडी, उसको बहुत स्ट्रेस है ना। उसे चार क्वेश्चन ही बनता है, उसको लगता है कि जिंदगी मेरा खराब हो जाएगा, ऊपर से आप कहते हैं कि तुम नलायक हो, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को। आप कैसे पेरेंट हैं? आप अपने ग्रामर में एक बार झांकिएगा और जरा अपने इंसानियत पे एक सवाल पूछिएगा, आप इंसानियत पे सवाल पूछिएगा भैया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर टाइम आप गलत ही हो सकते हैं और हर टाइम आप सही भी नहीं हो सकते, मैं ये भी कह रहा हूं कि हर टाइम आप कभी सही नहीं हो सकते, है ना। कोशिश करिएगा कि भैया, कोशिश करिएगा कि बच्चे के साथी बने आप, ट्रू 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 वॉरियर। यहां मैं माहौल देखता हूं, बहुत पेरेंट्स है ना अपने बच्चे को यार ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि नकारा है, नलायक है, गाली देने लगते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे को गाली कैसे दे सकते हैं, और ये कहां तक सही है? और ये माता पिता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। गुस्से में हमेशा याद रखिएगा, गुस्से में लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल रहा होता है। कोशिश करिए जब आप गुस्से हैं तो शांत रहिए। अगर आप गुस्से में कुछ बोल रहे हैं जनाब, तो आप रिश्ते खो रहे हैं, और रिश्ता कमाया जाता है, आपकी जिंदगी भर की कमाई होता है। अगर आप 25 साल के हैं ना अभी, अगर आप 18 साल के ना, 18 साल तो 18 साल आपने लगाया है रिश्ते कमाने में, और वो 18 सेकंड का गुस्सा वो रिश्ता खत्म कर सकता है आपका, है ना। तो गुस्से में कभी कोई फैसला मत लीजिए, अगर गुस्से में फैसला लेते हैं आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। और अगर ऐसा लगता है ना कि कई बार बहसबाजी हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर आप बहस में जीत गए ना, बंदा हार जाएंगे, बहस में जीतने से इंसान व्यक्ति को हार जाता है। तो कोशिश करिए बहस में जितना चुप रहिए। मैं तो अपनी क्लास में सिखाता हूं स्टूडेंट्स को कि रहस्यमय बनो। रहस्यमय कैसे बनते हैं? कम बोल के, ज्यादा पढ़ के, रिजल्ट रिजल्ट लाके, रिजल्ट 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 को बोलने आप क्यों बोलते हैं, है ना। बहुत कम बोलिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने रिजल्ट को बोलने दीजिए भाई साहब। अपना आपका रिजल्ट बोलेगा तो भाई साहब दुनिया तो ऐसे ही, दुनिया आपके कदम चूमेगी।